हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज भावनापुरी और दोस्तों आज हम बात करेंगे 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 22 जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। सो ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, वो कौन से हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, उन हॉर्मोन्स का फंक्शन क्या है और अगर उनकी जो अमाउंट है, जो कंसेंट्रेशन है, उसमें कुछ कमी आ जाए या वो ज्यादा हो जाए तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का जो मेन फंक्शन है वो है हॉर्मोन्स को क्या करना, प्रोड्यूस करना, बनाना, सिक्रीट भी करेगा। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसका सिर्फ एक मेन फंक्शन ये है कि वो खुद से बनाएगा नहीं, लेकिन वो हॉर्मोन्स को स्टोर करके रखेगा और जिस समय जरूरत होगी वो समय रिलीज कर देगा, ठीक है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए नाम दिए हुए हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स को सिक्रीट भी करेगा, लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद से कोई हॉर्मोन नहीं बनाता, सिर्फ स्टोर करता है और जब जरूरत होती है तो रिलीज कर देता है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया और एक कनेक्टिव जो स्ट्रक्चर है इनके बीच में उसको हम मिडिल पिट्यूटरी भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन कौन से हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है। सबसे पहले FSH और LH, ठीक है। ये जो FSH और LH है ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स होते हैं, GnRH, और GnRH हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, ठीक है। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस GnRH को रिलीज करेगा वो क्या, किस पर एक्ट करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेंगे और LH और FSH की सिक्रीशन उसी हिसाब से कम और ज्यादा होती है, ठीक है। वैसे तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, लेकिन उसका भी जो मास्टर एक तरीके से देखा जाए तो वो हाइपोथैलेमस होता है, राइट। तो यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो FSH और LH दोनों हॉर्मोन्स को रिलीज करेगा। FSH मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल्स के अंदर मिलता है। मेल के अंदर जो FSH का काम है वो स्पर्म की फॉर्मेशन है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल के अंदर एग की फॉर्मेशन और फॉलिकल्स के डेवलपमेंट करवाता है वो, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग यानी कि ओजेनेसिस। जो LH है अगर उसकी बात करें तो वो मेल में मेल सेक्स हॉर्मोन्स यानी कि एंड्रोजेंस जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं उसको प्रोड्यूस करवाएगा, और जो फीमेल है उसके अंदर वो ओव्यूलेशन भी करवाता है, साथ साथ प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जैसे फीमेल सेक्स हॉर्मोन को भी प्रोड्यूस करें, राइट। उसके बाद TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, ये थायराइड ग्लैंड की जो ग्रोथ है वो करवाता है, साथ साथ थायराइड हॉर्मोन्स को भी प्रोड्यूस करेगा, T3-T4 हॉर्मोन्स। फिर उसके साथ साथ ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हॉर्मोन, देखिए ये जो TSH है यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड जब TSH को रिलीज करेगा तो ये TSH थायराइड ग्लैंड के पास जाकर एक्ट करेगा और उसको बताएगा कि भैया कि T3-T4 को रिलीज करो या मत करो, वो अमाउंट कम है या अमाउंट ज्यादा है, वो सब चीजें कंट्रोल करता है TSH, राइट। जो ACTH है ये एक ऐसा हॉर्मोन है जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स जो ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है, किडनी के ऊपर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं तो एड्रेनल कॉर्टेक्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, उसकी ग्रोथ करवाएगा, साथ साथ उसको बोलेगा भाई कॉर्टिकॉइड्स जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, उन हॉर्मोन्स को रिलीज कर, ठीक है। अब उसके बाद ग्रोथ हॉर्मोन होते हैं जो कि ओवरऑल ग्रोथ करवाते हैं हमारी बॉडी की, सेल्स के, टिश्यूज की। अगर किसी के अंदर ग्रोथ हॉर्मोन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एक डिसऑर्डर हो सकता है जिसको जिजेंटिज्म कहा जाता है, इसमें जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर किसी के अंदर अंडर सिक्रीशन होती है ग्रोथ हॉर्मोन की तो फिर उससे ड्वार्फिज्म हो जाता है जिसमें वो बोने आके ड्वार्फ रह सकते हैं, राइट। और इसी में ही अगर मैं ग्रोथ हॉर्मोन से रिलेटेड एक और डिसऑर्डर बताऊं तो वो एक्रोमेगाली होता है। इसमें भी जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है एडल्ट स्टेज पर आने के बाद, अगर ग्रोथ हॉर्मोन की सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना, तो एक कंडीशन आती है जिसको हम एक्रोमेगाली बोलते हैं, राइट। इसके बाद अगर मिडल पिट्यूटरी के बारे में बात की जाए तो वो यहाँ पर MSH को रिलीज करेगा, लेकिन यहाँ एक प्रोलैक्टिन हॉर्मोन रह गया। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हॉर्मोन है जो कि प्रेगनेंसी के समय पर मिल्क की सिक्रीशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑब्वियसली फीमेल के अंदर इसका कंसंट्रेशन होगा वो भी बहुत ज्यादा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। क्योंकि वो क्या करता है, मेमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मिल्क की सिक्रीशन हो सके, और इसी के साथ ऑक्सीटोसिन भी थोड़ा बहुत मिल्क की सिक्रीशन में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन है वो जो मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है वो क्या है, यूट्रस की जो मसल्स होती है उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, राइट। जो यूट्रस की मसल्स है मायोमीट्रियम जो लेयर है उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ताकि डिलीवरी हो सके, पार्चुरेशन हो सके, ठीक है। अब जो MSH है मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, हमारी बॉडी में स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए एक पिगमेंट होती है जिसको मेलानिन पिगमेंट कहते हैं, तो ये MSH रेगुलेट करेगा सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट, राइट। यहाँ पर जो मैंने अलग से लिखा हुआ है कि जो पिट्यूटरी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है
उसमें ADH और ऑक्सीटोसिन इनको स्टोर किया जाता है, बट एक्चुअल में ये जो दोनों हॉर्मोन्स है इनको स्टिमुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस का होगा, ये हमें याद रखना है। तो ADH किस चीज में, वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो क्या करेगा, अभी मैंने बताया यूट्रस की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ताकि डिलीवरी आसानी से हो सके। बात कर रहे हैं कौन कौन से ग्लैंड्स के बारे में, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, थाइमस एंड पैनक्रियास, राइट। तो जो थायरॉइड ग्लैंड है वो कौन कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, T3 यानी कि ट्राई हाइड्रोथायरोनिन, T4 यानी कि टेट्राहाइड्रोथायरोनिन एंड कैल्सिट्रोनिन। जो T3 हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए, BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, साथ साथ वो जो पूरी बॉडी की ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ये हमने T3 हार्मोन की बात की है। जो T4 हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए। जो थायराइड हार्मोन्स हैं, दीज आर वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ और फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो थर्ड हार्मोन है वो कैल्सिटोनिन है, और ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो कैल्शियम के जो ओवरऑल बैलेंस है बॉडी का उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा, साथ साथ उसके मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कभी भी इन हॉर्मोन्स का अमाउंट डिसबैलेंस हो जाता है तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स यानी कि बीमारियां हो सकती है। तो यहाँ पर देखा ग्रेव्स डिजीज, ये कब होगी, जब कभी भी हाइपर सिक्रीशन हो जाती है थायराइड हॉर्मोन्स की, अगर T3 T4 ये सारे हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा रिलीज हो गए मान लो, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज कर देता है ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को, ठीक है। और अगर कभी भी आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, देखो आयोडीन क्यों जरूरी है और कहां से हमें मिलेगा, जो हम सॉल्ट लेते हैं वो आयोडिनाइज सॉल्ट होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये आयोडीन है वो रिस्पॉन्सिबल है थायराइड हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी आयोडीन की डिफिशियंसी अगर हमारी बॉडी में होती है तो वो क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स, जिस वजह से जो थायराइड ग्लैंड के सेल्स है वो क्या करेंगे, रैपिडली डिविजन करते हैं, वो प्रोलिफरेट करते हैं, और जो फॉलिकल्स होते हैं थायराइड के वो इतने लार्ज हो जाते हैं कि स्वॉलन नेक हो जाती है, और इस कंडीशन को गोइटर कहा जाता है, ठीक है। देन हमने यहाँ पर पढ़ा एक और डिसऑर्डर लिया हुआ है क्रिटिनिस एंड माइक्सोडिमा। इन दोनों में क्रिटिनिस और माइक्सोडिमा में क्या डिफरेंस है, देखो क्रिटिनिस में क्या होता है, हाइपो सिक्रीशन हो रही है थायराइड हार्मोन की, यानी कि कम रिलीज हो रहे थायराइड हार्मोन्स, लेकिन वो इन्फेक्ट्स में होने वाली कंडीशन है। जबकि जब माइक्सोडिमा के बारे में बात करते हैं तो होता तो उसमें भी हाइपो सिक्रीशन है थायराइड हार्मोन्स का, लेकिन वो एडल्ट्स में ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। कंडीशन दोनों में मोर और लेस सिमिलर होगी, लेकिन वो क्रिटिनिस इन्फेंट्स के लिए है और माइक्सोडिमा एडल्ट्स के लिए, राइट। अब हम बात कर रहे हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में, जो थायराइड के बिल्कुल सराउंडिंग में प्रेजेंट है, चार प्रेजेंट होते हैं, और ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो PTH यानी कि पैराथार्मोन को प्रोड्यूस करेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द बॉडी, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस के बैलेंस को मेंटेन करेगा। अगर हम बात करते हैं इसके डिसऑर्डर्स की, तो यहाँ पर आप देखोगे हाइपोसिक्रीशन अगर होती है कभी भी PTH की, तो कैल्शियम का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, लो लेवल हो जाता है। लेकिन हाइपर सिक्रीशन होती है तो वो ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग ऑफ बोन्स भी करवा सकता है, वीकनिंग भी हो सकती है, और ये जो कंडीशन है इसको ऑस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है। इट इज वेरी कॉमन अमंग द फीमेल्स जिनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सीज कर चुका है, स्टॉप कर चुका है, ठीक है। अब हम बात करें थायमस ग्लैंड के बारे में, इसके बारे में आपको बता रहे थे कि एक ऐसा ग्लैंड है जो कि बर्थ के समय पर एनलार्ज होता है, लेकिन जैसे हमारी डेवलपमेंट होती रहती है, हम बड़े होते रहते हैं, ये धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है ना। ये रिस्पॉन्सिबल है थायमोसिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड थायमोसिन हार्मोन का जो फंक्शन है वो है लिम्फोसाइट फॉर्मेशन, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो अगर कभी भी ऐसा होगा कि ये जो थायमोसिन हार्मोन है इसकी जो कंसंट्रेशन है, सिक्रीशन है, वो कम हो जाती है या इसका अमाउंट जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये थायमोसिन है लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन के साथ साथ इन्फेक्शन से रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाता है और सेक्सुअल मैच्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा, राइट। अब हम बात करें पैनक्रियास के बारे में, जो कि बोथ एंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह एक्ट करता है, ड्यूअल इसका नेचर है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन इसलिए क्योंकि वो हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा, कौन कौन से हॉर्मोन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, और एक्सोक्राइन इसलिए क्योंकि वो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एक्सेट्रा। तो कौन कौन से हॉर्मोन प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कौन कौन से सेल्स हैं, पेंक्रियास के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहा जाता है। ये नीट में भी पूछा जाता है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहां पर मिलते हैं, कौन सी बॉडी का पार्ट है,
है ना। तो जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो पैनक्रियास के अंदर मिलते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो आपको याद रखना है पैनक्रियास का पार्ट है, और पैनक्रियास के अंदर 3 टाइप्स की सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा एंड डेल्टा। जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करेंगे। ग्लूकागॉन का काम होता है ग्लूकोजिनोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। एक सिंपल सी बात है, अगर कभी भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, है ना, मतलब एक ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है। एक तरीके से ग्लूकागॉन क्या काम कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अमीनो एसिड डीएमिनेशन करता है और ग्लूकोजिनो, है ना, सॉरी ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से मैंने भी बोला ग्लूकागॉन का फंक्शन है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना यानी कि इंक्रीज करना, राइट। बीटा सेल्स इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, वो ग्लूकोजेनेसिस करवा रहा है। बेसिकली क्या करते हैं, देखो सेल्स को बोलेगा कि ग्लूकोज का अपटेक करना शुरू कर दो, इंक्रीज द अपटेक, इंक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। सेल्स को बोलता है कि ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दो ताकि ब्लड के अंदर से ग्लूकोज का लेवल कम हो सके, ब्लड के अंदर से ग्लूकोज का लेवल कम हो सके। तो ये मेंटेन करता है ब्लड शुगर को या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल को। तो डेल्टा सेल्स है वो सोमाटोस्टैटिन को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ हार्मोन की जो रिलीज है उसको रोकने के लिए, इनिबिट करने के लिए, साथ साथ इंसुलिन और ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस होने से भी रोकता है, इनिबिटर होता है। सोमाटोस्टैटिन क्या है, इनिबिटर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब पैनक्रियास से रिलेटेड जो डिसऑर्डर यहाँ पर पढ़ रहे हैं बेसिकली इंसुलिन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर डायबिटीज मेलिटस के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से हो जाता है। अगर कभी भी हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी तो ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा, राइट। क्योंकि ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही फंक्शन कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिक काम कर रहे हैं। तो ग्लूकोज का जो लेवल है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वो ग्लूकागॉन करवा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन हो गया ग्लूकागॉन, लेकिन इंसुलिन का काम क्या था, ब्लड शुगर लेवल को कम करना यानी कि मेंटेन करना, तो वो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है ना। तो अगर किसी भी व्यक्ति की बॉडी में इंसुलिन की कमी है, डिफिशियंसी है, तो उनको एक बीमारी होती है जिसको डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। लेकिन बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि डायबिटीज मेलिटस तो ठीक है, फिर डायबिटीज इंसिपिडस क्या है। मैं आपको बता दूं, ये इंसुलिन से रिलेटेड नहीं है, इट इज रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अगर कभी भी वाटर और सॉल्ट का डिसऑर्डर कहा जाता है या बॉडी के अंदर जो उनका बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस, बट इट हैज नथिंग टू डू विद डायबिटीज। तो मेलिटस से उसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ वाटर और सॉल्ट के जो डिसबैलेंस है उसके होने की वजह से एक पैदा होने वाली डिसऑर्डर है, राइट। चलिए हम बात करते हैं अलग अलग ग्लैंड्स बच्चे में, जो हाइपोथैलेमस, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। जो हाइपोथैलेमस है बेसिकली उसकी बात करेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल है कौन कौन से हॉर्मोन्स को रिलीज करने के लिए। आपको ये याद रखना कि जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीजिंग और इनहिबिटरी दो तरीके के हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा, रिलीजिंग और इनहिबिटरी। रिलीज करना मतलब किसी भी दूसरे हॉर्मोन की जो एक्टिविटी है उसको फर्दर इंक्रीज करना, इनहिबिटरी का मतलब है रोकना, ठीक है। मान लीजिए किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड ने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर दिया, तो हाइपोथैलेमस क्या बोलेगा उसे कि बस आए बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो चुके हैं, तो वो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, ठीक है, तो वो इनहिबिटरी हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर कभी भी किसी भी बॉडी में अंडर सिक्रेशन होती है तो हाइपोथैलेमस उसको रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो वो ACTH रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग एंड MSH रिलीजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये स्टिमुलेट करेगा, अगर मान लीजिए प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है तो किस चीज पर एक्ट करेगा। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि जो मेमोरी ग्लैंड्स है ना उसके ऊपर एक्ट करेंगे ताकि मिल्क की सिक्रेशन हो सके, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी की जो ग्रोथ है उसको करवाने के लिए। MSH ये मेलानोसाइट्स पर एक्ट करेगा ताकि वो मेलानिन पिगमेंट्स को रिलीज कर सके, सिंथेसाइज कर सके, ठीक है। ऐसे जिसका कोई डिसऑर्डर नहीं होता है लेकिन हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर हो सकता है जिसमें इम्बैलेंस हो जाता है ग्रोथ, जो भी एक तरीके से वो जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है और वो हार्मोनल डिफिशियंसी या डिसबैलेंस से भी कॉज हो सकता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला के बारे में। जो कॉर्टेक्स है वो रिस्पॉन्सिबल है दो तरीके के हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, विच इज मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स।
जो मिनरल और कॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल एंडोस्टेरोन है, नाम से पता चले वो मिनरल्स यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट या वाटर के बैलेंस को मेंटेन करेगा। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल कॉर्टिसोल है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एंटी एलर्जिक होता है और साथ साथ वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह भी एक्ट करेगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना, उनका डायमीटर कम कर देना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो फ्लो है, जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद एड्रेनल मेडुला की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को प्रोड्यूस करता है। एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो ये क्या काम करेंगे, इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। तो जैसे कि कोई स्ट्रेस होता है, कोल्ड होता है, एंगर होता है, थर्स्ट, हंगर, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए एड्रेनालिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ वो वैसा डायलेटर होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है, और वो कार्डियक मसल्स और लिवर के अंदर भी वैसो डायलेशन का काम करेगा। डायलेट कर देना मतलब ब्लड वेसल्स को एक्सपेंड कर देना ताकि उसका डायमीटर बढ़ जाए और प्रेशर कम हो जाए। यहाँ पर जो नॉर एड्रेनालिन है वो फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहलाएगा, वो मेटाबोलाइज करता है ब्रेन को और हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज कर देगा टू द स्केलेटल मसल्स एंड जीआई ट्रैक्ट। इसी के साथ स्केलेटल मसल के साथ जीआई ट्रैक्ट में भी जो ब्लड का फ्लो होता है उसको इंक्रीज करने का काम नॉर एड्रेनालिन का होता है। तो एड्रेनालिन ग्लैंड से रिलेटेड यहाँ पर दो डिसऑर्डर है, एडिसन्स डिजीज और कुशन डिजीज। तो जो एडिसन्स डिजीज है वो कब होगी, जब भी देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, जब भी मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी यानी कि कमी होती है तो जो डिसऑर्डर होता है उसको एडिसन्स डिजीज कहा जाता है। और जो कुशन सिंड्रोम है ये कब होगा, जब कॉर्टिसोल्स की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल अगर प्रोड्यूस हो जाएंगे हमारी बॉडी में तो क्या होगा, भाई क्या काम कर रहे थे, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहे थे यानी कि शुगर का लेवल बढ़ रहा था, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो रहा था। तो जब शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो यूरिन के थ्रू भी सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, साथ साथ कैल्शियम जो सॉरी के प्लस आयन यानी कि पोटेशियम, उनका कंसंट्रेशन लो हो जाता है। तो इन दोनों डिसऑर्डर्स को भी आपको याद रखना है। और दो ये अच्छे तरीके से आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल मेंशन नहीं है, लेकिन हम डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि हम नीट के रिस्पेक्ट में इनके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो आपको ये सारा पढ़ना होगा, आपको उनके फंक्शंस पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, मान लीजिए मिनरल कॉर्टिकॉइड्स है या कॉर्टिसोल है, ठीक है, या फिर भी पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा कॉर्टिसोल का फंक्शन है। सो यू आर सपोज टू लर्न एवरी सिंगल फंक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं बाकी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करें, बढ़ते फटाफट से। तो जो नेक्स्ट ऑर्गन है या ग्लैंड जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन कौन कौन से जो हॉर्मोन्स उनको प्रोड्यूस करने के रिस्पॉन्सिबल है, सबसे पहले मैं बता दूं कि हम ड्यूडिनम और जेजुनम वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम एंड जेजुनम की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सीसीके यानी कि कॉलेसिस्टोगाइलिन और सिक्रेटिन, इन दोनों हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल है। अब ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस क्यों किए जाते हैं, देखो जब भी डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना होता है तो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। अब कौन बताएगा पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को कि यस दिस इज द टाइम कि हाँ भैया इस समय आपको रिलीज होना है। तो जो सीसीके और जो सिक्रेटिन है वो स्टिमुलेट करते हैं रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम, साथ साथ गॉल बैटर की कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करेंगे। और जो सिक्रेटिन है वो वाटर की और बाइकार्बोनेट आयंस की जो पेनक्रियाटिक जूस है उसमें सिक्रीशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो एज सच अगर इन हॉर्मोन्स का अमाउंट डिसबैलेंस होता है तो अगर कोई भी डिसऑर्डर होगा तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी डिसऑर्डर मेंशन नहीं किया है। अब अगर हम किडनी के बारे में बात करेंगे तो वो रिलीज करती है एरिथ्रोपोएटिन, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है एरिथ्रोपोएटिन, ये एक ऐसा हॉर्मोन है जो कि एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन यहाँ पर दूसरा हॉर्मोन है रेनिन, रेनिन का जो मेन फंक्शन है वो वाटर और सॉल्ट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करना है, ठीक है। तो होगा क्या, जब भी कभी ब्लड के अंदर जो फ्लूइड की वॉल्यूम है, ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स है उनका कंपोजिशन वेरी करेगा, तो ये जो रेनिन हॉर्मोन है वो ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन या एंजियोटेंसिन को प्रोड्यूस करता है। जो एंजियोटेंसिनोजन था वो एक्टिव हो जाता है एंजियोटेंसिन वन में, किसकी मदद से, रेनिन की मदद से, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन मैं पूरा यहाँ पर लिख देती हूँ टेंसिनोजन। इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन वन में एंड देन एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो रेनिन है। एंड देन ये जो एंजियोटेंसिन टू है वो एंडोस्टेरोन की फॉर्मेशन करवाएगा, और एंडोस्टेरोन कैसा हार्मोन है, किस चीज में काम करेगा, वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इस वजह से क्या होगा, जो भी ब्लड के अंदर पानी की कमी होती है, आयंस की कमी होती है, वो वापस हो जाएगी, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर डिसऑर्डर है सच कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जब कभी भी जो किडनी है उसके अंदर ग्लोमेरुलस पोर्शन स्वेल हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उस कंडीशन को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं।
बाकी इस किडनी से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है वो सब आप चैप्टर 19 में पढ़ोगे एक स्क्रीनरी सिस्टम में। देन इज पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है मेलाटोनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये जो मेलाटोनिन है वो मेलेनोसाइट्स पर एक्ट करेगा ताकि जो मेलानिन पिगमेंट है उसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो सके और हमारे स्किन कलर को कंट्रोल करेगा। देन टेस्टिस। टेस्टिस एक गोनाड है यानी कि सेक्स ऑर्गन है मेल के अंदर जो कि एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेगा, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन करवाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, सेक्सुअल अर्ज यानी कि बिहेवियर को भी कंट्रोल करेंगे। अगर कभी भी ऐसा होता है कि किसी भी मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाए, फेमिनाइन कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा आ जाए, तो उस कंडीशन गायनेकोमेस्टिया कहलाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? गायनेकोमेस्टिया। देन ओवरीज जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है गोनाड्स कहलाते हैं। ओवरीज के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों ही हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये दोनों हॉर्मोन किस चीज के लिए काम करेंगे? प्रोजेस्टेरोन का मेन फंक्शन है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, साथ साथ वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, और जो स्ट्रोजन हार्मोन है ये स्टीरॉयड हार्मोन से हमने पहले पढ़ा है, ये किस चीज में हेल्प करेगा? डिफरेंशिएटिंग ओवा, ओवा की डिफरेंशिएशन करवाता है ताकि एग की यानी कि ओवा की प्रॉपर फॉर्मेशन और डेवलपमेंट हो सके। एंड लास्ट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का यहाँ पर जो मेन फंक्शन है वो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, तो ये जो हार्मोन है वो कॉर्पस ल्यूटम को स्टिमुलेट करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो सके, और वो प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी के समय पर यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर को मेंटेन करने के। राइट, इस HCG के साथ साथ HPL हार्मोन भी है जो प्लेसेंटा प्रोड्यूस करती है, जो ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो मिल्क की सिक्रीशन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो कौन से डिसऑर्डर्स है, कौन से हॉर्मोन्स है, वो कैसे काम करते हैं, मोड ऑफ एक्शन क्या है, सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। आई होप आपको ये समझ में। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।